बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्लास सिक्स सब्जेक्ट इंग्लिश। और बेटा जो आज का हमारा टॉपिक है वो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, तो बेटा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के मतलब यहाँ पे जो मेंशन है तो उसको स्टडी करने से पहले मैं आपको थोड़ा बता दूँ कि बेटा हर टेंस में ना चार चीज़ें होती हैं। हर टेंस में चार चीज़ें कि उस टेंस की पहचान, उस टेंस का बेटा पहचान, उस टेंस का इमदादी फेल यानी कि हेल्पिंग वर्ब, और उस टेंस का असल फेल यानी कि मेन वर्ब या प्रिंसिपल वर्ब, और फिक्रा बनाने का तरीका या उस टेंस का दुरुस्त इस्तेमाल। ओके, अब पहचान देखें इस टेंस की उर्दू में क्या पहचान है बच्चों, के यानी कि जो काम इस वक्त जारी हो, यानी कि काम के नेचर बताए जो इस वक्त हो रहा हो, यानी कि जो मौजूदा वक्त में वकू पजीर हो रहा हो। मिसाल के तौर पर जी, अब हम अपना सबक याद कर रहे हैं, वो स्कूल जा रहे हैं, वो खाना खा रहे हैं, वो सो रहे हैं, तुम बैठे हो, ठीक है, वो खेल रहे हैं, वो चाय पी रही है, वगैरह वगैरह, ठीक है। और इस टेंस में बेटा हेल्पिंग वर्ब ना तीन इस्तेमाल होते हैं, इज, एम और आर। इज, एम, आर, तीन हेल्पिंग वर्ब्स, इज, एम, आर। आई के साथ एम लगता है, और ही, शी, इट और सिंगुलर के साथ क्या इस्तेमाल होता है बेटा, इज इस्तेमाल होता है। वी, यू, दे और प्लूरल के साथ आर इस्तेमाल होता है, ठीक है। और मेन वर्ब की यानी कि असल फेल की चौथी हालत यानी कि वी फोर यानी कि वी वन प्लस आई एन जी इस्तेमाल होती है, ठीक है। इज इट क्लियर। और सादा फिक्रा बनाने का तरीका क्या है बच्चों, कि पहले बेटा सब्जेक्ट, आपको पता है ना, पहले सब्जेक्ट होता है, फिर हेल्पिंग वर्ब आता है, फिर वी फोर और आगे ऑब्जेक्ट। और इंग्लिश में बेसिक स्ट्रक्चर आपको बताया था कि सवो, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, ठीक है। इस टेंस में पहले सब्जेक्ट आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब इज़म, और सब्जेक्ट के मुताबिक इज़म आ रहेगा, फिर वी फोर, फिर ऑब्जेक्ट और एंड पे फुल स्टॉप। ओके, अब इसको स्टडी करते हैं। देखें जी, यहाँ पे लिखा हुआ है इफ समथिंग इज हैपनिंग नाउ, कि जो चीज अब वकू पजीर हो रही हो वो यूज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस को इस्तेमाल करते हैं। This tense is formed by using two components. वही जो मैंने आपको बताया, be की form में is amr यानी कि इस्तेमाल होता है, और the ing form of a verb यानी कि main verb की ing form। मिसाल के तौर पर I am reading a book. I अब subject है, am helping verb है, reading v4 और आगे a book क्या है बेटा, object है, I am reading a book. Okay? अब देखें जी यहाँ पे लिखो I am doing, इधर है ये देखें arrow, past है, इधर arrow है future. अब इसका मतलब है I am doing यानी कि सपोज हम कहते हैं जी आई एम डूइंग, कि मैं अपना काम कर रहा हूँ, आई एम डूइंग, मैं अपना काम कर रहा हूँ, यानी कि अब मैं अपना काम कर रहा हूँ। अगर हम पास्ट में चले जाएं, जी मैंने काम किया, या मैंने खाना खाया, या मैं कल स्कूल गया, ठीक है, हम कर लेते हैं जी मैं स्कूल जा रहा हूँ, प्रेजेंट में मैं स्कूल जा रहा हूँ। पास्ट में चले जाएं, मैं स्कूल गया, और फ्यूचर में चले जाएं तो मैं स्कूल जाऊंगा। ओके, अब क्या करना है जी, यूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब गिवन इन ब्रैकेट्स टू मेक प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। अब बेटा वर्ब्स दिए गए तो हमने क्या करना है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में चेंज करना है। अब लिखा है आई कांट कम, मैं नहीं आ सकता, आई लर्न माई लेसन, तो क्या आएगा, मैं नहीं आ सकता, आई एम लर्निंग, आई एम लर्निंग माई लेसन, मैं नहीं आ सकता, मैं अपना सबक याद कर रहा हूं। What you do, mom is waiting for you. Mom is waiting for you, ये तो ठीक है कि मामा तुम्हारा इंतजार कर रही है। What you do, अब ये सवाली है बेटा, सवाली में क्या है, डब्ल्यू एच वर्ड है, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर सब्जेक्ट हो रहा आई एन जी फॉर्म। What are you doing, what are you, ये डबल सवाली है, ये डब्ल्यू एच वर्ड है, डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड, इसको कहते हैं हम कि कब, कहाँ, क्यों, कैसे, किसने, कितना, ठीक है। What are you doing, mom is waiting for you. Look, my cat play. Look, my cat is playing. He do his homework. He is doing his homework. Listen, that girl cry. Listen, that girl is crying. ठीक है, सुनो वो लड़की रो रही है, चिल्ला रही है, ठीक है बच्चों। अब हमने क्या करना है जी, मेक क्वेश्चन इन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, सवालिया सेंटेंस बनाने हैं, सादा दिए गए, हमने इनको इंटरोगेटिव में चेंज करना है। फर्स्ट उन्होंने सेट कर दिया जी, एग्जाम्पल है शी इज हैविंग अ पार्टी, अब इज यानी कि हेल्पिंग और फिर सब्जेक्ट और आई एन जी फॉर्म आगे ऑब्जेक्ट, इज शी हैविंग अ पार्टी। अब जी वी आर वेटिंग फॉर द बस,
अब पहले देखें सब्जेक्ट है हेल्पिंग वर्ब आईएनजी फॉर्म और आगे ऑब्जेक्ट है, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस है। तो हमने क्या करना बेटा, हेल्पिंग वर्ब क्या है, आर, आर सब्जेक्ट हुई, आर हुई आगे वेटिंग फॉर द बस, शी इज गोइंग टू वर्क, इज शी गोइंग टू वर्क, इज इट क्लियर। ये इसी तरह आपने इनको भी फिलअप करना है, ठीक है बच्चों। तो नेक्स्ट है बच्चों के चूज द करेक्ट वर्ड, हमने करेक्ट जो है ना सेंटेंस वो हमने जो करेक्ट ऑप्शन है, करेक्ट वर्ड है, दो ऑप्शन है तो उसमें से एक करेक्ट है, हमने उसको सिलेक्ट करना है, ठीक है जी। देखें आई कुड नॉट गेट अ डैश इन द बस, ऑप्शन है सीट और सीट, के मुझे बस में ना मिल सकी, के बैठ नशिस्त ना मिली, के बैठना ना मिला, नशिस्त ना मिली, सीट आएगा। अ मॉस्किटो डैश मी लास्ट नाइट, बीट के बिट, के बीट शिकस्त देना, बिट काटा तो काटा, बिट आएगा। माई मदर इज कुकिंग राइस फॉर, कि मेरी वालदा रात, मेरी वालदा के खाने के लिए चावल पका रही है, सप्पर के, सुपर के सप्पर, सप्पर होता है रात का खाना, तो सप्पर आएगा कि रात के खाने के लिए। माई ग्रैंड मदर डैश अ स्टोरीज, कि मेरी दादी अम्मा हमें कहानियां टेल्स सुनाती हैं, टेल्स या कहानियां, टेल्स कहानियां, टेल्स सुनाती हैं, टेल्स आएगा। साथ डैश द बॉल एंड स्कोर द गोल, हिट, ठीक है। आ डैश सेल्स ओवर द वाटर, शिप के शिप, शिप बैरी जहाज, के बैरी जहाज पानी में तैरता है, ओके। इसको बेटा आपने प्रिपेयर करना है। तो आज हमने क्या सीखा बेटा, कि हमने फिल इन द ब्लैंक्स, इनको फिलअप किया, ठीक है, करेक्ट वर्ड को हमने सिलेक्ट किया, उसके बाद हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की उर्दू में पहचान की, उसका हेल्पिंग वर्ब किया, उसका असल फेल और उसका फिक्रा बनाने का तरीका, सादा और नेगेटिव सिंपल का ये स्ट्रक्चर है कि सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब की चौथी हालत और ऑब्जेक्ट और एंड पे फुल स्टॉप। इंटरोगेटिव में क्या करना है, पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वी फोर, फिर आगे ऑब्जेक्ट, ओके। इसकी बेटा आपने प्रैक्टिस करनी है, ओके। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।